हाँ भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को उसके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग ही नहीं, उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या? ईडी के और जो है आईटी के खापे डाले जा रहे हैं। फोन टैपिंग छोड़िए, फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है बताइए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे पर भी प्रियंका ने कटाक्ष किया। प्रियंका ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की वजह से आज प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। महिलाएं जाग गई हैं और इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक गए हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। गौरतलब है कि यूपी में इस वक्त फोन टैपिंग का मामला गरमाया हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया था कि यूपी सरकार उनके फोन टैपिंग करती है और सीएम योगी उनके फोन की बातचीत सुनते हैं, जिसका प्रियंका ने भी समर्थन किया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन आरोपों का किस तरह पलटवार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। प्रियंका जी आज बैठक हुई है, बैठक हुई है लेकर। दीदी बोल दीजिए, क्या रहा मैम 2022 के चुनाव के लिए क्या नीतियाँ बनाई गई? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।